हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम एकदम टेस्टी ढाबा स्टाइल लोबिया की सब्जी बनाएंगे। आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसी तरह से बार बार बनाना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं ढाबा स्टाइल लोबिया की सब्जी। एक कप लोबिया लिया है, इसे ब्लैक आई बीन्स कहते हैं और सफेद चौली भी कहते हैं। ये 160 ग्राम जितनी है, इसे हम एक बाउल में डाल देंगे। पानी डाल के इसे अच्छे से 2 से 3 बार धो लेते हैं। 3 बार इसे अच्छे से पानी से धो लिया है। अभी पानी डाल के इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं। इसे ज़्यादा देर तक भिगो के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन 1.5 घंटे में ये अच्छे से भीग जाती है। इसे ढक देंगे और भिगोने के लिए इसे छोड़ देते हैं। 1.5 घंटे में लोबिया एकदम अच्छे से भीग गया है। ये पानी हम निकाल लेंगे और एक बार इसे साफ पानी से धो लेते हैं। लोबिया को कुकर में रखने वाला कंटेनर में डाल दिया है। इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। कुकर में 1.5 से 2 कप पानी डाल दिया है। इसमें एक रिंग रखेंगे। लोबिया हमने डाला है, ये डब्बा अंदर रख देंगे। 1 टीस्पून तेल डालेंगे, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, चला के मिक्स कर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, गैस चालू करेंगे। इसे तेज आंच पे 1 सीटी तक कुक करेंगे और धीमी आंच पे 15 मिनट तक इसे कुक कर लेते हैं। एकदम उबलता हुआ तेज गर्म पानी लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून मूंगफली डाल के भिगो के रखेंगे 15 मिनट के लिए। खड़ा मसाला को ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें मैंने 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 10 काली मिर्च और 5 लौंग लिया है। ये मिक्सर जार में डाल के इसे क्रश कर लेते हैं। खड़ा मसाले को क्रश करके बाउल में निकाल दिया है। इलायची का छिलका हम निकाल लेंगे, छोटी इलायची और बड़ी इलायची का छिलका निकाल लेंगे। कुकर ठंडा हो गया है तो खोल के देख लेते हैं। लोबिया अच्छे से कुक हो गया है। इस तरह से हाथ से मैश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये मैश हो जाता है और साबुत भी दिख रहा है। इस तरह का लोबिया हमें कुक करना है। इसे कुकर में से बाहर निकाल लेते हैं। कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग, 1 कश्मीरी लाल मिर्ची हो गया है, 1 कश्मीरी लाल मिर्ची को तोड़ के डालेंगे। खड़ा मसाला हमने क्रश किया है, इसमें से 1/2 टीस्पून जितना डालेंगे। लाइटली भून लेते हैं। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कट करके लिया है, अच्छे से चला लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक भून लेते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, 4 से 5 कली लहसुन की बारीक काट के इसमें डालना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक इसे भून लेते हैं। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1 मीडियम साइज का टमाटर कद्दूकस करके लिया है, ये डाल देंगे। 1/2 कप जितना टमाटर कद्दूकस करके डालना, अच्छे से चला लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। 1/2 कप रेडीमेड टमेटो प्यूरी ली है, ये डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे और तेल सेपरेट हो जाए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। मसाले डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला। इसके बदले में आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए मसाले को भी कुक कर लेते हैं।
दो टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। तेल अच्छे से सेपरेट हो गया है। दो टेबलस्पून मलाई डालेंगे, थोड़ा दूध के साथ मलाई डाल देना है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप आधा कप दूध डाल सकते हैं। अच्छे से चला के मिक्स कर देना है। थोड़ी सी मलाई और डालेंगे, दो से तीन मिनट के लिए इसे कुक कर लेते हैं। ग्रेवी एकदम अच्छे से कुक हो गई है और तेल भी सेपरेट हो गया है। मूंगफली हमने भिगा के रखी थी, ये पानी हम निकाल लेंगे और एक बार साफ पानी से इसे धो लेते हैं। मूंगफली डाल देंगे, एक टेबलस्पून किशमिश डालेंगे, अच्छे से चला लेंगे। एक टीस्पून नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लोबिया कुक किया है ये डाल देंगे, पानी के साथ ही डाल देंगे, अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। लोबिया कुक किया था वही कंटेनर में मैंने एक चौथाई कप पानी डाल के ले लिया है। ये थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बॉईल आ जाए तब तक इसे कुक कर लेते हैं। इसमें एक उबाल आ गया है। दो से तीन टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, चला के मिक्स कर देते हैं। लोबिया की सब्जी रेडी है। इसे रोटी पराठा पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये चावल के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। गैस ऑफ कर देंगे। एकदम टेस्टी ढाबा स्टाइल लोबिया की सब्जी रेडी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।